हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माय स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार के शिक्षक संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए जारी विज्ञप्ति और उसमें अनुभव की बाध्यता को जोड़ देने से TET शिक्षकों का आक्रोश चरम पर आ गया है। शिक्षक जो है TET STT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के आह्वान पर 26 मार्च से ही जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करके अपना आक्रोश प्रकट कर रहे। इस बात की जानकारी देते हुए संघ के जिला अध्यक्ष प्रमोद मंडल एवं प्रवक्ता धनंजय झा ने कहा कि बिहार में शिक्षक का अधिकार अधिनियम तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के तमाम प्रावधानों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। और आपको बता दें कि इन प्रावधानों के तहत बहाल शिक्षकों को जहाँ एक ओर सहायक शिक्षक एवं राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए, वहीं सरकार जो शिक्षकों को दे भी रही है और उसमें कटौती कर रही है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद जो शिक्षक भी नहीं बढ़ सकते, उन्हें सीधे प्रधान शिक्षक बना रही है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाचार्य के मामले में संघ के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में विवाद दायर किया जा चुका है। मामला लंबित है और बगैर फैसला आए या मामले के निपटारे का इस प्रकार विज्ञप्ति निकालना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। TET/STT शिक्षकों की चुप्पी पर लोग कह रहे हैं कि अपने आंदोलन को और भी तेज करेंगे। संघ के महासचिव रंजन पासवान, कोषाध्यक्ष शिवली अंसारी, सचिव राजीव पासवान ने बताया कि TET/STT शिक्षकों के अलग संवर्ग, पेंशन ग्रेच्युटी, पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण, नव प्रशिक्षित शिक्षकों का अंतर वेतन सहित सभी तरह के अंतर वेतन का अविलंब भुगतान, सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का लाभ, नव चयनित शिक्षकों के वेतन भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर न्यायालय तक की लड़ाई को अब तेज किया जाएगा। TET प्रारंभिक शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य परीक्षा को लेकर BPSC के जारी विज्ञापन को BRC खिरमा पथरा परिसर में जलाकर विरोध दर्ज किया है। और आपको बता दें कि पहले तो समय से प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जब प्रशिक्षण पूर्ण हुआ तो इंडेक्स में घोटाला करके वेतन विसंगति को जन्म दिया गया आज, और इसको लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं। प्रधानाचार्य बहाली को लेकर BPSC ने विज्ञापन जारी कर दिया और इस विज्ञापन में परीक्षा में बैठने को लेकर ऐसी शर्तें हैं जिससे TET उत्तीर्ण शिक्षक परीक्षा में बैठने से पूर्व ही अयोग्य हो गए हैं। और जिलाध्यक्ष मोहन मुरारी ने कहा कि विज्ञापन में स्पष्ट है कि 8 वर्ष का निरंतर सेवा अनिवार्य है, जो कि TET शिक्षकों के पास नहीं है और जिसकी गिनती प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से किया गया है, जबकि अधिकतम TET शिक्षकों का सेवा में आए हुए 8 वर्ष नहीं हुआ है। TET शिक्षक योग्य है और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है। बेहतर वेतन देने का सुझाव भी दिया गया है। जिला सचिव नवीन कुमार मिश्र ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के विपरीत मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षकों को। जो शिक्षक सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, उन्हें BPSC के प्रस्तावित परीक्षा में बैठने का समान अवसर प्रदान किया जाए, जो कि न्यायोचित है और इसे सरकार माने, नहीं तो सड़कों पर आंदोलन होगा और सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, फिर शिक्षक झुकेगा नहीं। तो दोस्तों, यही सब मांगे हैं बिहार के TET शिक्षक संघ का कि प्रधानाचार्य की जो बहाली निकली है उसमें उन्हें बैठने का मौका दिया जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बिहार के शिक्षक संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट यूपी बिहार को। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।